नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्यों हिंदी पर। मैं हूं अभिनव सिंह। तो भारत चीन सीमा पर लद्दाख में काफ़ी तेज हलचल बढ़ गई है। वहां पे हाई अलर्ट हो गया है और पहले ही भारत सरकार ने चीन पर आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक जो था वो करना शुरू कर दिया है। पहले से ही जब से हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं सीमा पर, तब से एकदम मामला तनाव में बदल गया है पूरी तरह से। उधर से क्या हुआ, हलचल उधर से भी देखी जा रही है। चीन की तरफ से भी वहाँ पर जो सेना की संख्या बढ़ाई जा रही है और वहाँ पे फाइटर प्लेन लोगों ने लगा दिए, J-11 और J-17 चीन के तरफ से वहाँ पे लगाया गया है। उसके बाद से भारतीय सेना क्या है, बहुत तेज़ी के साथ अलर्ट पे हो गई है। अभी अभी लद्दाख का दौरा किया RK भदौरिया ने, जो कि वायुसेना प्रमुख हैं भारत के, और वहाँ की जो एयरवेस है उस पर सुखोई, जगुआर, मिराज सभी अलर्ट पे हैं। वहाँ पे अभी अभी देखा मैंने, देखा कि MiG-29 जो कि वहाँ पे उड़ान भर रहा है पहाड़ी एरिया में, जो हिमालय समझ लो लद्दाख के इलाके में, पूरा वो गश्त लगा रहा है अपने इंडिया के। जो Mirage 2000 सब अलर्ट पे हैं और MiG-29 वहाँ पे उड़ान भर रहा है अभी भी। मतलब वहाँ पे देखोगे जाके किसी न्यूज़ चैनल पे या कहीं से भी, तो वहाँ पे दिखेगा कि वहाँ पे उड़ान भरा जा रहा है, एकदम अलर्ट पे है। मतलब पूरी तरह से हाई अलर्ट जारी है। और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है, भारत की जो डिप्लोमेसी है, कूटनीति बहुत खतरनाक तरीके से कर रहा है भारत। रूस के साथ बड़ी डील पर चर्चा होने लगी है, रूस से विमान खरीदने की बात होने लगी है। अब इससे क्या होगा, रूस क्या है कि खुश हो जाएगा, उसको पैसे मिलेगा ना भाई, जब कोई से विमान खरीदा जाएगा तो उसको पैसे मिलेगा, रूस को अपने पाले में करने के लिए ऐसा हो सकता है भारत का। उसके बाद वहाँ पे जो चाइनीज़ की तरफ से फाइटर प्लेन वहाँ पे लगाए गए हैं, उसके जवाब में भारत ने अपना सारा सब कुछ झोंक दिया। चिनूक जो है, चिनूक हेलीकॉप्टर वहाँ पे लगा दिया गया है, अपाचे हेलीकॉप्टर भी वहाँ पे लगा दिया गया है। ये सब बहुत ही दुनिया के सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर में से एक हैं। ये सब युद्धक हेलीकॉप्टर है, फाइटर हेलीकॉप्टर माने जाते हैं। चिनूक हो या फिर अपाचे, दोनों बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और दोनों वहाँ पे हाई अलर्ट पे हैं। मतलब लग गए हैं, पूरा उड़ान भर रहे हैं, अपना काम जारी है। यहाँ से लेके वहाँ पे जो सामान होता है, सैन्य सामान वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है और सेना पूरा अलर्ट पे है। और खासकर क्या है, भारतीय जो सुखोई हुआ या फिर कोई भी फाइटर प्लेन, यहाँ तक कि तेजस, जो कि लोग कहते हैं, कुछ लोग मैं देखा कमेंट कर रहे थे कमज़ोर है कमज़ोर है, तो उसमें सिंगल इंजन लगा इसलिए लोग कमज़ोर बोल रहे थे, और चौथी पीढ़ी का। इसलिए बात सिंगल इंजन चौथी पीढ़ी से नहीं होता है, बात होता है कि वो काम क्या करता है, ये ज़रूरी होता है। वो भारत के लिए ये सब बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। जो ब्रह्मोस मिसाइल है उससे लैस हो सकता है, हमारा सुखोई भी हो सकता है, और उधर सारे मतलब फाइटर प्लेन, जब ब्रह्मोस बहुत खतरनाक मिसाइल है जिसको चाइना के पास रोकने की कोई क्षमता ही नहीं है। अगर ब्रह्मोस मिसाइल तेजस से भी छोड़ दिया भारत ने, तो जहाँ पे टारगेट करके मारेगा ना भारत, उसको जाना ही जाना है वहाँ पे। मतलब रोकने का कोई चांस ही नहीं है चीन के पास, ये पूरी दुनिया जानती है। और इसको चीन को भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि जो ब्रह्मोस है उसको रोकने की क्षमता उसके पास नहीं है, और ब्रह्मोस इन्हीं फाइटर प्लेन में लैस करके चलाए जा सकते हैं, इससे अटैक किया जा सकता है। तो सबसे प्लस पॉइंट भारत के पास यही है। उधर अमेरिका ने भी श्रद्धांजलि दी है हमारी शहीदों को, उनके परिवार को संवेदनाएं व्यक्त की है। तो इससे क्या समझ सकते हैं, अब इशारा कर दिया सीधा सीधा कि उसने भी बोला कि नज़र बनाए हैं हम लोग उधर, जो भी वहाँ पे हो रहा है। अब अंदर की क्या बातें कोई नहीं जानता, अंदर से क्या बातें हुई हैं किसी को नहीं पता, और सर्वदलीय बैठक भी हो रही है प्रधानमंत्री के साथ। अब आगे क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता है, बस सब आंकड़े यही लगाया जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है वहाँ पर। तो आगे देखो क्या होता है, जो भी अपडेट होगा जरूर मैं बताऊँगा आपसे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो लोग नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।